हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। हाल ही में चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था जी। उसके बाद से जो फिल्म समीक्षक हैं, जब जो बॉक्स ऑफिस पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि आने वाली फिल्मों के लिए पहले दिन ही 100 करोड़ पार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या ये भविष्य में संभव है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? मुझे लगता है कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है अभी ये कि फिल्म एक ही दिन में अपने ओपनिंग डे के अंदर ही 100 करोड़ कर जाए। इसके पीछे मैं आपको दो एक रीज़न देता हूँ। जैसे 3 इडियट्स से शुरू हुआ था ये 100 करोड़ का क्लब, वो 15 दिन में शायद पार किया था उसे, 15-16 दिन में। उसके बाद फिल्में आती गई, कम से कम ये टाइम, दिनों का टाइम घटता गया। अब जो चेन्नई एक्सप्रेस ने पहले वीकेंड में ही ये साबित कर दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, तो इसके पीछे अगर एक दिन में कैसे हो सकती है, क्यों होगा? मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ती जा रही है जी। अभी देश में तकरीबन 6,000 के आसपास मल्टीप्लेक्सेस हैं। जिस दिन ये संख्या 10,000 से पार हो जाएगी और उस दिन से थिएटर्स पे जब फिल्म सारे ही देश में, छोटे और बड़े शहरों में, जब एक साथ से जब इतने थिएटर्स पे रिलीज होने लग जाएगी, तो ये बड़ी बात नहीं है, फिल्म पहले दिन इतना कलेक्शन कर लेगी। दूसरे कलेक्शन का क्या है कि अभी और जैसे विश्वरूपम में कमल हसन ने शुरुआत की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो डायरेक्ट टू होम DTH के थ्रू उस पर ये अपने क्या टेलीविज़न पे भी दिखाने जा रहे थे, थिएटर्स प्लस टेलीविज़न, फिर ये स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इस पे, जब ये मार्केट भी कवर होने लग जाएगी तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ एक दिन क्या, ये शायद पहले 100 के ही आसपास लगा दें, फिल्म की मार्केट इतनी होने की गुंजाइश है फटने की जी। धन्यवाद राहुल जी।